देखिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2E पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसमें विकल्पी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं पहली सवाल। यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या लिखी गई है, यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस थ्री हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। तो बस इसमें जब एक शून्यक दिया रहे तो बस यही चीज हमको इसमें रख देना, जहां जहां x पाएंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। चलिए रखिए, देखो x शून्यक क्या दिया है, थ्री, तो क्या मान लेंगे, x बराबर माइनस थ्री, ठीक है। जो शून्यक दिया है माइनस थ्री उसी को हम x बराबर मान लेंगे। अब इसमें हम रखेंगे k माइनस वन का होल स्क्वायर तो नहीं है, k माइनस वन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स के आप क्या रखें, माइनस थ्री होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस के का मान ऐसे ही रहेगा, एक्स का मान माइनस थ्री प्लस वन बराबर क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, के माइनस वन माइनस थ्री के स्क्वायर क्या होगा, प्लस नौ, इंटू चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि गुणा होता है, प्लस माइनस माइनस थ्री के प्लस वन बराबर जीरो, नौ से इसमें भी गुणा, नौ से इसमें, तो नौ इक्का नौ, नौ के माइनस नौ माइनस थ्री के प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। के इसमें भी, के इसमें भी घटा दीजिए, नौ में से तीन गए कितना बचेगा, छः के, और नौ में से एक गए कितना बचेगा, आठ, बराबर क्या हो गया, जीरो। सिक्स के बराबर उधर जाएगा आठ हो जाएगा, दो तिहाई छः, दो चौक आठ, यानी के बराबर क्या हो गया, चार बटा तीन, यही हमारा क्या हो गया आंसर। किस में आ रहा, आपका पहला विकल्प सही है, के का मान चार बटे तीन आएगा। सवाल नंबर दूसरी चलते हैं। देखिए दोस्त, सवाल नंबर हम दूसरी पर पहुंचे, इसमें कह रहा है कि शून्य का माइनस थ्री और फोर वाला द्विघात बहुपद कौन सा है, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो देखिए ये शून्य दिया है अल्फा बराबर माइनस थ्री और बीटा बराबर क्या दिया है, चार दिया है। द्विघात बहुपद है इसलिए अल्फा बीटा होगा, अगर त्रिघात होता तो अल्फा बीटा गामा होता, अल्फा दिया है बीटा दिया है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर जीरो होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, यानी द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम पहले अल्फा बीटा निकाल लें, फिर अल्फा बीटा, तो हमारा काम हो जाएगा, यहीं पर हम रख देंगे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। लेकिन यहाँ पर हम इसमें कोई समीकरण दिया नहीं, हमको बनाना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या रखेंगे, देखो अल्फा का मान माइनस थ्री है प्लस बीटा का मान चार है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर चार में से तीन घटाओ क्या बचेगा, एक, ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए, लेकिन हमको सी को दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस थ्री इंटू फोर, अल्फा बीटा बराबर माइनस चार तीन बारह, अल्फा और बीटा दोनों निकल गया, बस इसी में रख देंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एक, एक यक्स प्लस अल्फा बीटा का मान देखो माइनस बारह है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बारह बराबर जीरो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह बराबर जीरो। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया, यानी द्विघात बहुपद, यानी किस में आ रहा आपका पहला विकल्प सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह, ठीक है। सवाल नंबर तीसरी विकल्पी है, ही 15 सवाल है, जल्दी खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर तीन पे हम पहुंच गए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक दो और माइनस तीन हो तो ए और बी का मान बताना है, कि ए और बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो शून्यक दिया है पहली बार हम दो रखेंगे इसमें, उसके बाद हम माइनस तीन रखेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। तो x बराबर क्या रखेंगे हम, दो, दो रखने पर इसमें रखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, a प्लस वन इंटू क्या होगा, x प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, जहां हम x पाएंगे क्या रखेंगे, पहले दो रखेंगे, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस वन इंटू दो प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे हम, जीरो, ठीक है। अब देखिए दो का स्क्वायर क्या होगा, तो दो नी चार प्लस इससे इसमें टू ए प्लस टू प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे हम, जीरो। तो इसमें देखो 2a प्लस बी, इसको हम एक तरफ लिख देंगे 2a प्लस बी, और चार में दो जोड़ें कितना हो जाएगा, छः, उधर चला जाएगा माइनस, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक। समझ में आया, देखो 2a और प्लस बी लिख दिए, चार दो छः हो गया, उधर चला गया माइनस में हो गया। सेकेंड x बराबर हम क्या रखेंगे, माइनस तीन जो दिया है, ठीक है।
तो इसमें रखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू क्या रखेंगे एक्स प्लस बी बराबर जीरो मान लेते हैं, जहाँ पे एक्स प्राइम क्या रखेंगे माइनस थ्री, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो माइनस थ्री के स्क्वायर क्या होगा प्लस नौ होगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस, इसमें देखो तीन कन्नन तीन, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस, तीन कन्नन तीन प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस थ्री ए प्लस बी, इसको एक तरफ करिए माइनस थ्री ए प्लस बी, और नौ में से तीन घटाओगे छः बचेगा वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा नौ है तो उधर जाएगा माइनस में, तो ये माइनस छः हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब एक और दो में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर भी टू ए प्लस बी, ये बी प्लस में है, बी अकेल है, यहाँ पर भी बी प्लस में ये अकेला है, मतलब इसके साथ कोई गुणांक नहीं है। तो अगर हम समीकरण एक और दो को घटा दें तो यहाँ से ये बी कट जाएगा तो हमारा मान एक निकल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, ठीक है। तो पहले आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सही रहेगा। माइनस थ्री ए प्लस बी बराबर माइनस छः, ये क्या है टू ए प्लस बी बराबर माइनस छः, ठीक है, टू ए प्लस बी बराबर माइनस छः। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा ज़रूर, ये खत्म हो गया, तीन दो क्या हो गया माइनस पाँच, और देखो ये इसकी वैल्यू जब खत्म हो गई तो ये माइनस छः ये प्लस छः दोनों कट गया बराबर क्या बचा जीरो। तो जानते हो ये सीधा बटे पहुंचेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो बटा माइनस पाँच लिखेंगे तो बात वही हो गई जीरो, और जीरो के आगे माइनस नहीं लगता। ए का मान क्या आ गया हमारा जीरो आ गया। अब बी का मान निकालना आसान हो गया, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो हम इसी में रख दे रहे हैं ए का मान समीकरण दो में रखने पर। तो क्या होगा माइनस थ्री इंटू ए का मान कितना है जीरो प्लस बी बराबर क्या हो गया माइनस छः, तीन जीरो जीरो इसका कोई मतलब है नहीं मतलब, तो बी बराबर क्या हो गया माइनस छः, ठीक है, ये तीन जीरो जीरो माइनस जीरो कोई मतलब नहीं है, तो बी बराबर क्या हो गया माइनस छः। तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना आया जीरो आया और बी बराबर क्या है माइनस छः, तो जीरो और माइनस छः किस में आ रहा है चौथा विकल्प आपका सही है, ए बराबर जीरो बी बराबर माइनस छः। सवाल नंबर पाँच पे कह रहा है शून्यक माइनस टू और फाइव वाले बहुपदों की संख्या बताइए कितनी हो सकती है। अब देखिए शून्यक दिया है कह रहा है इसके बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, तो हम इसको मान सकते हैं माना पी एक्स बराबर ये जो माइनस दो है, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर क्या है माइनस दो और ये क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा फाइव होगा, एक्स बराबर क्या होगा फाइव, तो इसको हम इधर लाएंगे तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो हो जाएगा। तो पहला तो हमारा ये हो सकता है कि एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फाइव ऐसे डॉट डॉट ये हो सकता है। अगर मान लीजिए कि पहला तो ये हो गया, उसके बाद देखो एक और बन सकता है जैसे पी वाई मान लिए तो क्या हो सकता है सेम यही रहेगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव, फिर अगर हम पी क्यू मान लिए तो भी एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव। तो जो इसके शून्य कह रहा है बहुपदों की संख्या होगी वो एक दो तीन, मतलब तीन से अधिक हो सकती है लेकिन तीन से कम नहीं हो सकती, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी क्यू ऐसे मान सकते हैं, तो इसके जो बहुपदों की संख्या होगी वो तीन से ज़्यादा होगी। सवाल नंबर हम छः देखने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर छः, इसके बाद एक सवाल सात, वो भी थोड़ा सा लंबी है, बाकी सब एकदम विकल्प ही हैं, फिर एकदम से सरल है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक जीरो दिया है, तो कह रहा है अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या हो सकता है। तो देखिए त्रिघात बहुपद में जानते हो कि तीन शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा, देखिए एक चीज़ सबसे पहले इसमें समझ लीजिए, कह रहा है एक शून्य क्या दिया है जीरो दिया है, तो हम मान सकते हैं कोई भी एक शून्य का अल्फा बराबर हम मान ले रहे हैं जीरो दिया है, ठीक, अल्फा बराबर मान लीजिए जीरो दिया, बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो तीनों में से, तो यहाँ शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ अल्फा बराबर जीरो तो हम यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो मतलब कुछ नहीं, यहाँ बचेगा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब इसमें दोनों शून्यकों का गुणनफल का है, तो इसके बाद एक हमारा फार्मूला क्या आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपान ए। तो यहाँ देखो अल्फा जहाँ जहाँ हम पाएंगे, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ अगर हम रखेंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा है यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा जीरो। तो हम ऐसा काम करते हैं कि जब यहाँ जीरो हो जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा तो हम केवल क्या बचे बीटा गामा बराबर सी अपान ए, ये काम हो गया बीटा गामा बराबर सी अपान ए, बस हमारा काम हो गया। अगर आप चाहो तो एक और लगा सकते हो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी अपान ए,
लेकिन हमको डी इसमें कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा है। देखो डी डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमको कहा है केवल दो शून्यकों का गुणनफल का कितना योगफल आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सी अपान ए, यानी हमारा दूसरा विकल्प सही होगा, यानी दो शून्यकों का एक गुणनफल क्या होता है सी अपान ए। यहाँ पर करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस डी अपान ए, तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अल्फा का मान ये जीरो मान लिया तो ये जीरो हो जाएगा, यही हमारा। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 6 और 7 दोनों आपके सामने लिखी गई है। इसमें कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस एक है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमको पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, तब वहाँ से निकलेगा। और उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले जो एक शून्यक दिया इसको हम मान लेते हैं यक्स बराबर माइनस वन, तो ये इधर आएगा यक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यक्स प्लस वन से इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उसका हम फैक्टर करेंगे तो जाके हमारा शून्यक का गुणनफल निकल पाएगा। तो इस तरह सवाल जो है मैं 2D में, प्रश्नावली 2D में सवाल नंबर 10 और 14 दोनों सवाल इसी टाइप पे हैं, सेम यही नियम पे है। अगर उसको आप ध्यान से देखो 10 नंबर और 14 नंबर तो 100% ये सवाल लगा लोगे। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देना हूँ, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन, यही आपका उत्तर सही होगा। बाकी आप खुद करेंगे x प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसी का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तभी हमारा ये निकल पाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 7 पे पहुंचते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x + 27 के शून्यक क्या क्या है बताओ, दोनों धनात्मक हो सकते हैं ऋणात्मक, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों बराबर। तो देखिए 127 कैसा फैक्टर करना है, जोड़ने पर क्या है 99, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो जब मुश्किल लगे तो इसके लिए हमको द्विघात समीकरण का सूत्र लगाना पड़ता है, यानी श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र समझने के लिए आपको प्रश्नावली 4 तक, यानी प्रश्नावली 4A 4B 4C 4D 4E या फिर उसमें जो है उसमें क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से सवालें काफ़ी लगती हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे हम चौथे पहुँचेंगे द्विघात समीकरण, वहीं से आप सीख जाएंगे कि द्विघात जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है ये आता कहाँ से है, बना कहाँ से है। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसमें क्या है, इसका गुणांक एक है तो a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया। तो इसी में हम रख के इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या ये धनात्मक आता है या ऋणात्मक। तो b का मान कितना 99, माइनस 99 प्लस माइनस b का मान कितना 99 स्क्वायर 4 × a का मान 1, c का मान 127 और पूरे बटा 2 × a का मान 1 है। तो क्या होगा माइनस 99 प्लस माइनस 99 के स्क्वायर क्या होगा 9801, 9801 और 4 × 28 की 8, 4 × 2 = 10, 4 × 9 = 5, पूरे बटा क्या है 2, ठीक है। बाकी हम इधर देख लेते हैं, माइनस 99 प्लस माइनस रूट इसको हम माइनस करेंगे, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में 0 गए 9, यहाँ पर बचा 7, 7 में 5 गए 2, यहाँ पर 9 बचा, ठीक है, और पूरे बटा क्या है 2 है। माइनस 99 अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो आता है 96.4 अपान क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 96.4 आप निकाल लीजिएगा। इसमें से देखो बड़ा कौन है 99 है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गए देखो कितना बचेगा 3, और या 9 में से 9 गए 0, ये 0.4 ऐसे लिख देंगे बटे 2, काटेंगे 2 का नाम 2 × 2 = 14, यानी -1.7 एक मान आ गया। और दूसरा हम करेंगे, यहाँ पर एक बार हमने प्लस लिया है, ठीक है, प्लस वाले में थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसको, -99 एक बार हम प्लस ले लिए 96.4/2 प्लस वाला ऊपर, ठीक है। अब इसमें बड़ा यही है 99, तो घटा दीजिए कितना बचे 3.4/2, काटेंगे तो वही आएगा 1.7 -1.7, ये हो गया। अब सेकेंड में हम क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो क्या होगा -99 -96.4/ क्या हो जाएगा 2, इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत लंबा आएगा 9 × 9 = 15 और क्या होगा 9 × 9 = 18 = 19.4 पूरे बटा 2। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से ये हमारा कंफर्म हो गया कि जो मान है दोनों माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में,
तो यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, दोनों का मान माइनस में आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8, 9 जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ख़त्म हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 और 9 इसमें क्या लिखा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के डज नॉट इक्वल जीरो के शून्य क्या है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों असमान नहीं होते हैं, दोनों बराबर सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो ये द्विघात समीकरण हमारा लिखा है इसको अगर हम इसमें लगाएं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र, तो वहाँ से हमको ये पता चल जाए कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या फिर क्या होगा। तो बी इसमें क्या है, माइनस के प्लस माइनस रूट के का स्क्वायर माइनस 4 into a का मान 1 है, सी का मान क्या है के, पूरे का मान क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या होगा माइनस के प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4k/2 में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखिए कि कह रहा है जो k का मान है वो तो जीरो नहीं होना चाहिए, k डज नॉट इक्वल जीरो। उसके बाद कह रहा है कि बताइए जो इसके क्या कहते हैं मान होगा k का वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है कि माइनस के यहाँ से अगर कोई गिनती रखेंगे तो माइनस में 100% आएगा। तो यहाँ से हमें यह पता चल जाएगा कोई गिनती हम रखें के की जगह पे और उसको निकालें तो गारंटी है कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पर संभवतः दोनों क्या कहते हैं दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, या तो एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, या तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, लेकिन दोनों ना तो धनात्मक हो सकते हैं और ना ही ऋणात्मक। यानी आपका पहला विकल्प सही है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम सवाल नंबर क्या कहते हैं 8, 9 देख लेते हैं। 8 तो हो गई, या द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी डज नॉट इक्वल जीरो के शून्य बराबर हैं, तो बताइए क्या होगा, सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, बस यही आपका विकल्प सही होगा। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 में काफ़ी लंबी थ्योरी लिखी गई। इसमें कहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक द्विघात बहुपद का शून्य एक दूसरे का ऋणात्मक हो, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। 10 में इसमें दिया है यही एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या होगा, इनमें एक रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 11, इस चैप्टर की इस वीडियो की सबसे लास्ट, देखिए दोस्त इस चैप्टर की और इस वीडियो की सबसे लास्ट सवाल पे हम पहुंच गए, इसमें 11 सवाल थे, हमने गलती से 15 कह दिया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, मतलब ये जो फिगर बनी है इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है या कौन सा ऐसा चिन्ह है फिगर है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं कराता है। तो द्विघात बहुपद में केवल दो ही बार कटा होना चाहिए तभी द्विघात बहुपद कहलाता है। ये देखिए कहीं पर कटा है नहीं कटा है, अगर कहीं पर भी ना काटे किसी x अक्ष y अक्ष को तब भी ये द्विघात बहुपद का आलेख होगा। ये देखो यहाँ पर देखो काट के आया है दो जगह, मान लीजिए एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ, ऐसे घूम के आया है एक ही जगह वैसे है, लेकिन ये भी होगा द्विघात बहुपद। और इसको देखिए यहाँ पर काटा है यहाँ पर काटा है दो जगह काटा है ये भी होगा, लेकिन इसमें देखिए जो चौथा विकल्प है एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, लेकिन कह रहा है द्विघात बहुपद तो इसमें अगर 3 जगह काट दिया तो ये द्विघात से ज़्यादा हो गया त्रिघात, तो यानी आपका चौथा विकल्प ऐसा है जो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं करता, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्त आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। इसके बाद आपकी प्रश्नावली आएगी प्रश्नावली 3, उसमें बहुत कमाल की चीज़ है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल यानी ग्राफ खींचना रहता है, उसमें बताना है कि कौन सी लाइन कैसे जाएगी कहां पर कैसे ग्राफ खींचा जाता है, बहुत काम की चीज़ है, उसको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद इस बहुपद का टेस्ट होने वाला है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया ना, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, आप टेस्ट दीजिए, उसमें आपको देखा जाएगा कि आप कितना नंबर ला रहे हो, फिर आपका नाम लिया जाएगा जो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा, उसके बाद फिर अगर कमी रहेगी कहीं कमजोरी रहेगी तो फिर से एक बार इसको रिवीजन करा दिया जाएगा उसी लगते तक, ये आपका सारी कमी दूर हो जाए, इसके बाद फिर आपका प्रश्नावली 3 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।